भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 के संबंध में महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा संक्षिप्त वार्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के झालाना जयपुर स्थित हेड ऑफिस में किया गया। इसका नेतृत्व पुलिस महानिदेशक BL सोनी के द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई के लिए उनकी पूरी टीम की तरफ से तत्पर रहना बताया गया। इस संक्षिप्त वार्ता कार्यक्रम में उनके साथ उनकी पूरी टीम ने इस संक्षिप्त वार्ता कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इसके सक्षम के नहीं देने का सवाल है, ये सक्षम अधिकारी के पावर्स में है, कानून में उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि वो पूरे मामले को देख करके और अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो अभियोजन स्वीकृति नहीं दे, कानून में प्रावधान है उसका। तो अगर कोई मनाही करता है तो उसके लिए भी वो जिम्मेदार है उस बात के लिए। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ जो मैंने पहले भी आपको बताया कि सारे महत्वपूर्ण प्रकरणों में हमको अभियोजन स्वीकृति मिली है और उनमें हमने चालान पेश किया। एक बार हमारी टीम वहां जाकर के लोगों से संपर्क करेंगे और विभागीय अधिकारियों को ले जाकर के उनके फॉर्म भरवाएंगे, उनकी जो भी सैंक्शन है उन सैंक्शन को जारी कराएंगे। हमने हमारी इंटरनल विजिलेंस को भी थोड़ा मजबूत करने का प्रयास किया है। पिछले वर्ष एक दुर्भाग्यपूर्ण आपके जानकारी में होगा, हमारी एक यूनिट के प्रभारी को हमें हमारी ACD की टीम के द्वारा ही गिरफ्तार करना पड़ा था। बाद में उनके विरुद्ध एक आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो इस प्रकार से हम अपने इंटरनल विजिलेंस को लेकर के भी बहुत सतर्क हैं। आप सब लोगों के मार्फत हम आमजन से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर ACB के किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई भी भ्रष्टाचार की शिकायत है, आप सीधा DG ACB के पास या ADG ACB के पास आ सकते हैं, आपका स्वागत है। हम आपके साथ मिलकर के अगर हमारे अंदर कोई गलत तत्व छुपा हुआ है तो हम उसके विरुद्ध बहुत मजबूती से कार्रवाई करेंगे और आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी साफ सुथरी तरीके से और पूरा मेरिट बेस्ड हम कार्रवाई करेंगे। नए वर्ष में हमने एक और बीड़ा उठाने का प्रयास किया है कि हमारा जो कोर्ट क्राफ्ट है, जो हमारे प्रकरण कोर्ट्स में चलते हैं, लंबे समय तक चलते हैं और कुछ विशेष न्यायालय हैं जहां पर कि ये प्रकरण चलते हैं, हमारे एडिशनल डायरेक्टर साहब प्रोसिक्यूशन और प्रोसिक्यूशन की पूरी टीम के साथ हमने हर कोर्ट में एक एक सब इंस्पेक्टर को नॉमिनेट किया है और उनको हमने ये काम दिया है कि ये और कोई देखेगा और कुछ लोग नजर करेंगे। तो हम हमारी टीम को उनके वाहन के द्वारा उनके घर भेजते हैं, वहां पर हम सत्यापन की कार्रवाई करके और वहां आगे की फिर आगे की कार्रवाई जो है हम उसको अंजाम में देते हैं। हमारे पास करीब करीब 100 कॉल्स पर डे आते हैं करीब करीब, और अब तक करीब बड़ी संख्या में परिवार आए। हम पूरी संख्या जो जिसमें ट्रैक हुए हैं हम उसको किसी कारणों से इसलिए नहीं बताते हैं कि उसकी जो लिखित प्रक्रिया होती है और जो FIR कोर्ट में जाती है उसमें कोई 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 डाइकोटोमी नहीं हो जाए, लेकिन करीब 100 के करीब कॉल्स पर डे करीब करीब आते हैं। वर्किंग डेज को छुट्टी के दिन कम आते हैं, ज्यादातर कॉल्स हमारे 10 से 6 आते हैं तो उस टाइम पे हमारे एडिशनल इंस्पेक्टर के अधिकारी उसको सुनते हैं, शाम को एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी सुनते हैं। हर एक कॉल को उसमें क्या कार्रवाई हुई वो मेरे पे और ADG साहब के पास आती है। कोई अर्जेंट अगर सूचना होती है, कभी कभी कॉलर वो ये कहता है कि भाई मैं तो आपको सूचना नहीं देना चाहता, तो हम तुरंत हम खुद उस कॉलर से संपर्क करते हैं और फिर उसको आगे उसका करते हैं। करीब करीब जितने बड़े केसेस पिछले एक साल से हमने एक ट्रेंड बदलते हुए देखा है, बड़े अधिकारियों के खिलाफ काफी कंप्लेंट आने लगे। अभी पिछले साल जो अच्छे केसेस हुए सारे सर्विलेंस बेस नहीं है, काफी कंप्लेनेंट आए हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल SP दौसा के खिलाफ कंप्लेनेंट आया, जिस वजह से SP दौसा और 2 SDM हो सके और शशांक यादव एक IRS ऑफिसर थे, उनके सीधा हमारे पास ACB के पास फोन आया, कंप्लेंट आया।